गरीब आदि घर मुनि फल शॉर्ट तो बाजार लियोन हम गरीब हो काम के रोड़ी फल आए करी तो अपन रोजगार जब तैयार कला सही बात है। जो मु पैसा वाल से जमा जम ट्रक ले लो मेरा सही बात है। अमुन ये करी जर अब दिन पार करने से घर मुनि जर रोड़ी सुखा ला जर बाउलू ला जर तनी करी तो अपन जब सांझू ये झोपड़ी बनोला। अच्छा मतलब खुद करी था यानी कि पैसा बचे चल खुद करी जरा सांझू रुपए बचला ने तब जर सा सीमेंट लेना वाला सीमेंट तो पैसे मा लियो नहीं तो 2 रुपए बचला तबे उण जर वोड़ी तैयार कला हम जर सोदान कला जर तन करी कुछ बचत होली। हां सही बात है। तब इन के वण मेरा गरीब आदमी है गौरपुर। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? तो आज फिर नया दिन और एक न्यू सुबह और आज फिर एक नया गांव जिसका नाम है टोनेटा गांव। अभी मैं फिलहाल रोड पे खड़ा हूँ और ये टोनेटा का मार्केट है, लगभग काफी बड़ा मार्केट है। लगभग कल मैंने जो गांव आपको दिखाया था वो उसके पीछे वाला गांव था। टोनेटा मार्केट में मुझे एक जूस की दुकान दिखी है, देख रहे हो? ये जो भी आप देख रहे हो ना ये सब हाथ से बना हुआ जूस है, लगभग माल्टे का जूस के जूस ही भेजा हूँ। भेजी माल्टे आंवला और नींबू का अचार, मिर्च का अचार सब अपने हाथों से बनाते हो? सब हाथों से बनता है। अच्छा देख रहे हो भाई, सारा अचार रखा हुआ साइड। कितना कितना कॉस्ट है, कितना कितना प्राइस है? मतलब लाख लाख की नहीं हूँ, जो गंजा किलो ची 100 रुपया, जैसे जो 250 रुपया। अच्छा 250 रुपये का है एक बोतल? मार्केट में 300 रुपये का मिलता है, 350 के आसपास का। अच्छा आप 250 का दे रहे हो? 5 लीटर का है ना? 5 लीटर का। ठीक ठीक। तो देख रहे भाई, मैं तो ये कहूँगा आपको कि आप कभी भी अगर लेते हो, अगर जूस जूस लेते हो या अचार लेते हो तो इस दुकान पर जरूर आना। ये टोनेटा मार्केट में है और तिलवाड़ा से लगभग 6 किलोमीटर दूर पे ये दुकान है। और अचार भी यहाँ पर हाथ से बनाई हुई चीज़, तो भाई कुछ भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, हाथ से बनाई हुई जितनी भी चीज़ें वो सभी अच्छी होती हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस मार्केट में ज़रूर आना और एक बार इस शॉप को विजिट ज़रूर करना भाई। ठीक है भाई, ठीक है। और यहाँ पर हार्डवेयर की दुकान भी है इस जगह पर, देख रहे हो? ऐसा कुछ मार्केट है। और सबसे बढ़िया बात है यहाँ पर कि गाँव में मेडिकल स्टोर भी है भाई। वैसे गांव साइड में मेडिकल स्टोर मिलता नहीं है, मगर ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ये मार्केट से, जो इनका सबसे बड़ा मार्केट है तिलवाड़ा, यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दूर पे है। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक मेडिकल शॉप भी है, ये देखो भाई सामने पे। जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, थोड़ा स्टिच लेना, ये काफ़ी अच्छी बात है। गाँव वाले एरिया में एक मेडिकल होना चाहिए, नहीं तो इंसान अगर बाई चांस कोई ऊपर गाँव में रहता होगा तो उसको काफ़ी दिक्कत होती होगी अगर कुछ चोट चाट लग गई। परसों गणतंत्र दिवस के दिन शाम को वहाँ से कोई बुजुर्ग आदमी आ रहे थे, यहाँ पे उन्हें चक्कर आया, वो खम्भे से टकरा गए, तब तक मैं यहाँ से भाग गया उनको पकड़ने के लिए, फिर हम अंदर ले आए उनको, फर्स्ट एड हमने जो दिया वो ठीक है। गांव वालों को बहुत मदद मिलती है जी, बहुत मदद है ना आपके यहाँ पर होने से। उनकी उल्टियाँ परसों हो रही थी, रात को हम गए वहाँ पे, हमने उनको सीधे रेफर किया और उन्हें फिर वो एक दो हफ्ते बाद वो घर आए सही सलामत। उन्हें 6-7 बोतल खून की चढ़ी, 8-10 बोतल ग्लूकोज की चढ़ी, लेकिन हमने उनको रेफर कर दिया फर्स्ट एड देके, उनकी भी जान बच गई, अच्छी बात है। सही बात है, मतलब आपके होने से बहुत बढ़िया, मतलब ये है कि मदद मिल रही है लोगों को। कोरोना काल में हमने काम किया, कोरोना काल में भी जब हमने काम किया तो देखा कि कई लोगों को फायदा हुआ। लोग डर की वजह से जब बीमार पड़ रहे थे तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, तो हम उनके घर में जबरदस्ती हम जा रहे थे दवाई देने। गाँव का रास्ता आता है रोड से और ये पर देख रहे हो कितना बड़ा गेट बना हुआ है। नीचे साइड स्कूल है, काफ़ी बड़ी इंटर कॉलेज है। और ये ऊपर साइड गांव है, पूरा गांव वाला एरिया है ऊपर साइड। ठीक है, तो हम पहले जाएंगे गांव वाले एरिया में, आपको पूरा गांव दिखाऊंगा, उसके बाद मैं नीचे स्कूल में जाऊंगा, सरकारी स्कूल है भाई। और आपको बता दूं कि इस गांव में ये काफ़ी बेहतर है कि यहाँ पर मेडिकल शॉप भी, अगर किसी को चोट चोट लगती है, लगभग काफ़ी बार ये देखा गया है ना भाई कि कोई भी गांव हो, छोटा गांव हो या बड़ा गांव हो, मेडिकल शॉप होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर ये काफ़ी अच्छी बात है कि मार्केट के नीचे पर ही मेडिकल शॉप है, मतलब गाँव के ठीक रोड के बगल पर ही मेडिकल शॉप है। तो ऐसा कोई रास्ता जाता है गाँव की तरफ,
मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये गांव का रास्ता है कि धारा का रास्ता, मतलब जहाँ से पानी पूरी भरते हैं, ये गाँव वालों का धारा है। भाई मैं वही तो थोड़ा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है गांव में आने की। जब मैं गांव में आता हूँ तो मुझे कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा होती है और रास्तों का पता नहीं चल पाता। भाई अभी देखो नीचे पे रास्ता था और नीचे रास्ते से ऊपर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, पता भी नहीं चल रहा था गांव होगा ऊपर। तो ऐसा कोई रास्ता जाता है गाँव की तरफ। अभी काफ़ी जगह पे नए नए घर बन रहे हैं। और काफ़ी जगह पे पुराने घर भी हैं। देखो ऐसा कोई रास्ता जाता है गांव के बीच से होके। ये है यहाँ के घर, देख रहे हो आप। तो ऐसा कुछ गांव है। आप नीचे रोड से देखोगे ना गांव से, तो आपको गांव नहीं दिखेगा। अगर नीचे रोड से आप देखोगे तो गांव पता नहीं चलेगा कि ऊपर गांव भी है, क्योंकि भाई ऊपर से नीचे से गांव दिखता ही नहीं। भाई रोड से नीचे से गांव दिखता ही नहीं कि ऊपर भी कोई गांव है। और लगभग ऊपर साइड इतने परिवार रहते होंगे, पता भी नहीं चल रहा था मेरे को। जब मुझे रास्ता बताया एक भैया ने, तब जाके मुझे पता चला कि यहाँ पर भी गाँव है भाई। ठीक है, कुछ परिवार यहाँ पर रहते हैं। लगभग ये गांव काफ़ी ऊपर तक बसा हुआ है। अब ये देखो भाई, जैसे जैसे ऊपर साइड गया मैं, वैसे वैसे गांव लोग खेती भी आ गई। अब यहाँ से मुझे पूरा गांव दिख रहा है भाई चारों तरफ। मतलब ये देखो भाई, अभी नीचे से पता भी नहीं चल रहा था कि यहाँ पर इतना बड़ा गाँव है भाई। नीचे से ऐसा लग रहा था कि खाली दो तीन परिवार रहते होंगे ऊपर साइड, मगर जब मैं पूरे ऊपर साइड आया तब जाके मुझे पूरा गाँव दिखा भाई। अरे भाई काफ़ी खूबसूरत सा गांव है भाई। ये देखो अगल बगल खेत है गाँव वालों के और घर भी बने हुए अगल बगल। ये देखो अरे भाई, अब दिख रहा है कि यहाँ से गांव है भाई पूरा। पता भी नहीं चल रहा था नीचे से इतना बड़ा गांव है ऊपर साइड। भाई रक्षा करने के लिए बैग लगाए मैंने आगे पे। काटना नहीं बेटा, काटना नहीं। चल अरे पीछे पीछे कहाँ आ रहा भाई, चल चल भाई मुझे जाने दे यार, हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने पे, मुझे जाने दे भाई। पीछे नहीं आना, पीछे नहीं आना भाई। अरे तो यहाँ पर मुझे एक भैया जी मिले हैं। अच्छा घर लीजिए आपको, घर बोलो पूरा घर आपको जी। अच्छा ब्लॉक बनाना, देख रहे पहाड़ साइड में ज़्यादातर, पहाड़ में क्या शहरों में यूज़ होता है, देख रहे ब्लॉक का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है अपने घरों पे, खास करके जो लोग घर बना रहे हैं, नए घर बना रहे हैं तो ब्लॉकों का यूज़ करते हैं। और ये खास करके हमारे पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, खुद अपने हाथों से बनाते हैं। देख रहे अभी बन रहा है, बना रहे हैं अपने हाथों से। कितना टाइम लोग भेजिए बनवा, अरे अकेला आदमी एक कट्टे का ना। अब कितने एक कट्टे में कितने ब्लॉक बन जाते होंगे? 28 ब्लॉक सीमेंट यो कट्टा और यो कट्टा बालू ना ना। चार चार एक, चार एक का बनता है। अच्छा अच्छा चार एक का, मतलब चार रोड़ी। हाँ समझ गया, चार बजरी। अच्छा साल बनाओ तो, अच्छा साल बनाओ जी। तो यहाँ पर भैया जी बना रहे हैं गौशाला बनाने के लिए, देख रहे हो। ये काफ़ी ईंटें तैयार कर दी हैं भाई, लगभग कितना वाला ही भेजी? 260 तक। और एक रूम बनाने के लिए कितने चाहिए होते हैं? एक तो मतलब 800 मान के चलो, दो दो कमरे का 800 मान के चलो। ठीक ठीक, तो भेजी ये मैं फायदा चाहिए कि ईंट बोल फायदा चाहिए? फायदा ये मैं यहाँ के जन में डेला पुर्जा मार रोड़ी आपको बजरी आपको खतर देना हमारे के, तो हमारे बेनिफिट चाहिए। अच्छा बेनिफिट आपका,
वैसे हम लोगों के लिए, हम जैसे घर गुरु बनाएंगे ना, इसके घर भी पक्के होते हैं, ऐसे दिन खराब होते थे घर, मैंने काफी जगह देखा है पहाड़ में, खास करके ब्लॉक के घर बनाए जाते हैं। हाँ बीम चोड़ो क्या ना स्वेबल का, तो खर्चा इस चीज में ज्यादा है कि ईंट वाले में खर्चा ज्यादा है? जो अपने आप करेगी तो मतलब उसमें ईंट में तो खर्चा नहीं है, रोड में आएगा पलदारी पड़ेगी, बारह तेरह रुपये मतलब ईंट तो होनी पड़ी, फिर और ढलान हुई, कुल मिला के 12 ये लगा लो कि घर में तक 12 रुपये की ईंट लगा। ना 12 का मिले, 12 तो बाजार में मिले, अच्छा बाजार में 15 एक ईंट का, तीन चार नौ ज़्यादा पड़ेगी 18 रुपये, 18-20 हज़ार तक पड़ जाएगी। अच्छा मतलब 3,000, अच्छा 3,000 तक, ठीक है भैया, बढ़िया बात भैया, अच्छे काम कर रहे हैं आप, है ना, क्योंकि जो घर में खुद व्यक्ति कर रहा है तो वो उसमें पैसा बचेगा आप लोगों का, नहीं ठीक है, थैंक यू भैया। दादाजी जो कल रोड़ी कौन रोड़ी फोड़ लूं घर घर अच्छा घर मकान होगा पर मकान है गरीब आदमी मन घर मुनी फोड़ शॉर्ट तो बाजार ले लूं हम गरीब हो काम के से रोड़ी फोड़ आए नहीं करी तो अपन रोजगार जब तैयार कर ले सही बात है आज जो मैं पैसा वाल से जमा जम ट्रक ले ले मेरा सही बात है और अमन ये नहीं करी जरा पर दिन पार करने से घर मुनी जरूरी सुखा लाजर बाउलू लाजर तन करी तो अपन जब सांझ ये झोपड़ी बनोला। अच्छा मतलब खुद करी था यानि कि पैसा बच जो खुद करी जरा सांझ ये रुपए बचला ना तब जर सा सीमेंट लियोना वाला सीमेंट तो पैसे मा लियो नहीं तो 2 रुपए बचला तबे उने जरूरी तैयार कला हम जर सदान कला जर तन करी कुछ बचत हो। हां सही बात है तब ये इनके वोन मेरा गरीब आदमी है गौरपुर। अच्छा बाल बच्चा कैसा है ना वा बाल बच्चा भी लोड़ी चंद मेरी नौनु योच मेरा बस अभी तो इन प्राइवेट में तो पुनो तका खाना हूँ अरे क्या कहना तब नौकरी छोड़ी नहीं क्या कर मेरा प्योर पंगले से ना प्योर पंगले से बात बस बेटी चंद से भी वो ली ना नौनु भी बिवेली पचार रो करते हैं पुंगड़ा पति के के छोने पुंगड़ा पुंगड़ा के होना ये मेरे पुंगड़ा सन करे हमारा के वन बांदरू बोर दियो को तू बांदर सुंगूर गोणी सब एक साथ है अरे बूतना सब पचट फूल भी खेलिन तो ये का अच्छा गेंदा फूल सरसों का फूल सब खेलिन गोणी टप तोड़ना का तो खाना सुंगूर खाड़ी खड़ना और कौन जाना सी बिल्कुल से नोना कन क्या चमन खेती करी कहते आप हो लो ट्रैक्टर वो भी कम पड़नो सो भी सही बात है क्या करना ये खेती करी हम साहब ना यूं बंद रुक वो नहीं फोन ले जाओ बोले ना यूं बंद रुक बंद बस तो वन चौन पहले उन्हें छुट डाटो सब वाले पत्त वाले बूत ना हम से चट चून ना फोन खाना बुझ भी हम बाजार है लियो ना अब बाजार अब पैसे नहीं वेल्ड क्या खान खेती पर रफ रो व्यवर सब व्यवर नहीं वन चौन मेरा। हाँ सही बात है तो ये नियंता सच ही हो वही सुंगुरान सौर बिठा उखाड़ी डाल दिन बांदर से ओणा डालियों में कूड़ियों में फाली में ना भाग हो कौन आसी बिल्कुल से नोना बितुर भी जान आसी तो ये नहीं दस अच मेरा तो खेती भी के ओण कुछ कत नहीं टाइम पर बरखा नहीं कुछ नहीं जरा कही मुझ जाए भी से बांदर फोन खाना मन क्यों तो कुछ ना तो ये नहीं दस मेरा यहाँ पर आप ही लगा लो कि रास्ते कितनी ज़्यादा कंफ्यूजन है इस जगह पे। हाँ पता नहीं चल रहा है कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा। पहाड़ में सबसे ज़्यादा गांव में ये चीज़ें चलती हैं। पहाड़ में लगभग हर गांव में आपको एक रास्ता एक जगह जाते हुए दिखेगा लगभग उस जगह पे जाने के लिए काफ़ी रास्ते दिख जाएंगे तो यहाँ पर भी यही है इसलिए मैं काफ़ी टाइम से गाँव में घूम रहा हूँ ऊपर जाने के लिए और मुझे रास्ता मिल गया है। ये घर के बिल्कुल बीच से होके जाता है रास्ता अभी मैं यहाँ से आया हूँ देख रहा हूँ ऐसा रास्ता भाई ये तो इसको पता भी नहीं चलेगा भाई कि यहाँ से कोई रास्ता देखो। अब जैसे मैं नया आदमी हूँ मुझे खुद बताया है कि यहाँ से रास्ता है अगर कोई बताता नहीं तो मुझे पता चलता भी नहीं कि यहाँ से कोई रास्ता है भाई देख रहा ऐसा कोई रास्ता है भाई ऊपर जाने का गली से बंद के
ये देखो भैया, हाँ, लगभग ये लगा लो कि ऊपर साइड देख रहे हो, पूरे खेती ऊपर साइड लगभग 3-4 परिवार ऊपर पे भी रहते हैं ऊपर साइड। ये पूरे गांव वालों खेती है ऊपर साइड में, नीचे गांव बसा हुआ है और ऊपर साइड खेती है गांव वालों की। तो ऐसा कुछ गांव था ये। अब चलते हैं नीचे साइड। ओह, थकान लगी मुझे बहुत ज़्यादा भाई। अभी तक मैं ऐसे भटक रहा था पूरे गांव में, मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था पूरे गांव में। जब मैं नीचे आ रहा था तब जाके मुझे रास्ता दिखा, मेन रास्ता जो गांव वालों का है। अब जाके दिख रहा है जब मैं पूरा गांव घूम के आ गया हूँ। देख रहे हैं यहाँ पर हरी सब्जी लगाई गई है और ये काफ़ी पुराने पुराने घर है। ये देखो भाई, अब आ गया मैं गाँव से नीचे। लगभग काफ़ी दूर तक फैला हुआ गांव, बहुत दूर तक, और लगभग ये लगा लो कि रोड से गांव की शुरुआत हो जाती है, मगर गांव काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ है, काफ़ी ऊपर तक है, ठीक है। और रोड के ऊपर साइड गांव है और रोड के नीचे साइड इंटर कॉलेज है। गांव वालों की काफ़ी बड़ी स्कूल है, और लगभग उस स्कूल में लगभग 3-4 गाँव के जो अगल बगल के गाँव हैं, गाँव के बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में। आधे टाइम में यहाँ से गया था यार, यहाँ महादेव का मंदिर है तो आधे टाइम में यहाँ से गया था। मुझे जाना था यहाँ से भाई, ये रास्ता था गांव का, मगर ये रास्ता भी था, ये रास्ता पता नहीं चल रहा था भाई क्योंकि कहीं कहीं पे टूट रहा था रास्ता भाई, इसीलिए। हाँ, तो आज के लिए इतनी।